रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। नरेश ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। ठाकुर ने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव का आलम देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में सरकार के प्रति गहरा रोष पनप रहा है। हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। नरेश ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने कहा कि सड़कों की खस्ता हालत से लेकर मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के अभाव का आलम बना हुआ है, जिससे लोगों में भी सरकार के प्रति गहरा रोष बना है। नरेश ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे को लेकर शिमला धर्मशाला सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का काम किया गया था, लेकिन जैसे ही दौरा रद्द हुआ तो बंद हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रशासन भी सीरियस होकर काम नहीं कर रहा है और प्रदेश सरकार ने 1.5 साल में हमीरपुर में विकास के नाम पर कोई ईंट तक नहीं रखी गई है। नरेश ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और जब जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तभी विकास की अनदेखी हुई है, और बावजूद इसके जब जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है तब प्रदेश का विकास चरम सीमा पर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आई हुई है, हमीरपुर जिला के साथ एक भेदभाव किया जा रहा है, और जिला के अंदर चाहे आज देखेंगे कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया था, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सराहनीय प्रयासों से हमीरपुर जिला को मेडिकल कॉलेज मिला था। परंतु आज अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के नाम पर भी जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें बहुत बुरा हाल है। आज जो पेशेंट हैं वो बेचारे बाहर गैलरियों में लेट रहे हैं, और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे कि वो शिक्षा अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकें। तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का दौरा, हमीरपुर का दौरा प्रस्तावित था, तो प्रशासन ने जो सड़कें थी वो मिट्टी से भरना शुरू कर दी, परंतु जैसे ही किन्हीं निजी कारणवश जो उनका दौरा रद्द हुआ तो आज वो वैसे के वैसे खड्डे पड़े हुए हैं, और प्रदेश सरकार का और प्रशासन का उस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। और 1.5 साल के लगभग हमीरपुर जिला में विकास के नाम पर कोई एक ईंट भी नहीं रखी गई है जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी हुई है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो जो भी उद्घाटन किए गए वो बजट रखकर उद्घाटन किए गए, परंतु उससे पहले हमीरपुर जिला से ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में हमीरपुर में कितना विकास हुआ, जबकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर जिला में काफ़ी ज़्यादा विकास करवाया है। और जब जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है उन्होंने कभी भी भेदभाव करके किसी जिला के साथ कोई भेदभाव ना करके जो है विकास की नए से नए आयाम स्थापित किए हैं, परंतु भाजपा सरकार विकास कराने में बिल्कुल नाकामयाब रही है और हमीरपुर जिला की हमेशा से अनदेखी की जा रही है।